यार ऑफ कोर्स ब्रेकअप किसको अफेक्ट नहीं करती है, जो अगर आई टेल यू इफ अ पर्सन इज इन लव तो ब्रेकअप अफेक्ट करता ही है. एंड इट्स नॉट ओनली अफेक्टेड मी, इट्स अफेक्टेड हर ऑल्सो. सो यू डोंट वरी कि यार विल आई फाइंड माई सोलमेट, वो तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है. अगर कोई लिखा है तो ही विल मूव माउंटेंस तुम लोग को मिलाने के लिए. सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए. नथिंग यार, नथिंग. आई टेल यू, होती रहती है ऐसी चीज़ें, होती रहती है. एंड इट इज़ पेनफुल, इट इज़ हर्टफुल, बट ठीक है. यू नो जो भी होता है, लाइक आई सेड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. इफ़ वी वर टू गो अवे देन दैट्स अल्लाह'स विल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव नथिंग टू से. If we are meant to come back, because हमारे कुरान में भी कहा जाता है कि when Allah wants two souls to meet, He moves mountains. So you don't worry कि यार will I find my soulmate? वो तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई लिखा है तो He will move mountains तुम लोग को मिलाने के लिए. तो ठीक है, अगर you know if she is the one for me, I know Allah will move mountains और मैं वापस मिलूँगा उससे. नहीं तो दैट इज़ ऑल्सो अल्लाह इज़ विल, इट्स ओके यार. थोड़ा पेनफुल है ऑफकोर्स, बट उसने भी कुछ सोचा होगा एंड ठीक है, कुछ रीज़न ही होगा. तो माइट एज वेल जस्ट लेट इट बी एज इट इज़ एंड जस्ट विश फॉर द बेस्ट. यार ऑफकोर्स ब्रेकअप किसको अफेक्ट नहीं करती है, जो अगर आई टेल यू इफ अ पर्सन इज इन लव तो ब्रेकअप अफेक्ट करता ही है. And it's not only affected me, it's affected her also. None of us ever wanted ke, you know, cheeze idhar pahunch jaye. None of us wanted that. And like I said, ke, you know, right now also, if I'm saying ke, you know, this is good, it must be Allah's will. But at the same time, I'm also saying this, ke, I still hope ke, if she's the one for me, He will find a way to bring us back. So I trust Him 100%. And म्यूचुअली ना, अभी ऐसा अगर ऐसा होता तो फिर, और यार एट दिस पॉइंट इन आवर लाइफ ना, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी म्यूचुअल ओनली, बिकॉज अनलाइक आई डोंट नो, सी आई टेल यू, आई बेसिकली फील के इफ यू नेवर लव द पर्सन तो तुम बोल दोगे यार लिसन मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, तुमको जो करना है ना तुम कर लो, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ हाउ एवर यू वॉन्ट, आई डोंट केयर, मैं जा रहा हूँ, मैं अपना बैग उठा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ. That selfish attitude comes in जब you don't love the other person, because you only bothered about yourself. ये जिए मरे मेरे बाप का क्या जा रहा है. But mutually तभी होता है when you know you feel के भाई listen, instead, and this is हम लोग का mutual इस पर इसीलिए हुआ कि भाई listen, if at this point we do not either take space or do not you know give each other that zone के भाई तुम अपना करो मैं अपना करता हूँ, we will make things worse. We will make things worse and then there will be no वो गुंजाइश ही नहीं रहेगी वापस आने की. तो right now the best thing to do is you do your thing, let me do my thing. You have your work to focus on, I have my work to focus on, right? Let's do our thing. If it is destined, of course we will come back. If it is not, then you still have to make yourself strong every day. So and with that understanding we were like ठीक है यार, you know, because we love each other, we would rather distance ourselves then you know sit and make things worse. के एक point ऐसा आ जाए कि you know उसको मेरी शक्ल देख के चिड़ आ रही है, मेरे को उसकी शक्ल देख के चिड़ आ रही है, like हम लोग we cannot see eye to eye basically, हम देख नहीं सकते एक दूसरे को, you know वो ignore करना पड़ेगा कि I know she's over there, अच्छा ignore, she knows I'm over here but she's ignoring, के भाई नहीं यार you know वो बात बात करके ना और चीज़ें बिगड़ेगी. I don't want it to reach that point, neither does she want it. तो hell, the love is still there and we've gone our separate ways, hoping that he works his magic. Yaar, we are friends only, of course. Haan. Kabhi kabar, aisa bhi nahi ke, you know, roz baat ho rahi hai, good morning, good night. Nahi. Kabhi kabar ke, aray, listen yaar, you know, ye cheez mein, what do you think I should do?
अरे उसको कभी कुछ चीज़ के अरे यार दिस थिंग ये मेरे घर में आई यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू गेट दिस प्रॉब्लम सॉल्व, अरे इसका ये कॉल दिस गाय, जैसा कुछ भी हो गया, कुछ काम वाम हो गया कि इसको फ़ोन कर लेना ये आके कर देगा, वो बेसिकली एक यू नो जो फ्रेंड्स करते हैं एक दूसरे के लिए, वो ऐसा नहीं कि यू नो आज आपने खाना खाया गुड मॉर्निंग आज आपका दिन अच्छा जाए ऐसा नहीं हो बट या सिंगल इट इज गोइंग ऑन वेरी नाइस, काम पे बहुत फोकस कर रहा हूँ एंड यार आई हैव कम टू रियलाइज वन थिंग के सिंगलहुड में भी है ना दिस हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई टेल यू आई एम शूटिंग एवरी डे आई हार्डली गेट टाइम टू स्लीप और वर्कआउट और एनी थिंग, तो एक ये स्पेस में ना मैं अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, अदरवाइज यू नो द काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज आई वुड गो आउट आई वुड पार्टी एंड यू नो दिस एंड दैट एंड यू नो कि मैं हाँ भूल जाऊँगा याद नहीं करना है गम में नहीं बट अभी मैं एक ऐसा पर्सन हो गया हूँ कि यार बिकॉज आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई रिलीजन आई एम लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट इट सो आई फाइंड पीस इन दैट मैं आई ट्राई टू प्रे 5 times a day कभी कभार 5 हो जाता है कभी कभार नहीं होता है कभी कभार 1 होता है 2 होता है 3 होता है एंड प्लस आई एम लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट माई रिलीजन सो इन माई रिलीजन इट इज़ सेड दैट हार्ट्स विल ऑलवेज फाइंड पीस विद अल्लाह एंड द मोर आई रीड अबाउट इट द मोर आई लर्न अबाउट इट आई फाइंड पीस समवेयर तो मैं जाता हूँ मैं अपना नमाज पढ़ता हूँ आई टॉक टू हिम आई गो टू द जिम वर्कआउट आई कम बैक प्ले विद माई कैट फॉर अ वाइल मे बी वॉच यू नो समथिंग ऑन टी वी फॉर अ वाइल और मैं सो जाता हूँ अगले दिन उठ के वापस शूट पर भागा शूट खत्म हुआ देन केम प्रेड ये वो एंड दैट इज़ हाउ आई कीप माई सेल्फ बिजी सो आई फाइंड इट वेरी पीसफुल इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पार्टीज एंड दिस एंड दैट एंड एवरी थिंग जहाँ पे यू आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड कि यार मेरा ये हो गया है वॉट डू आई डू एंड यू नो ये सारे सिचुएशन में ना यू टेन टू डू रॉन्ग थिंग्स वेन यू गो आउट विद द इंटेंशन कि मेरे को भुलाना है ये चीज़ को रादर देन कन्फ्रंटिंग इट यू टेन टू डू रॉन्ग थिंग्स यू टेन टू हर्ट अदर पीपल यू टेन टू हर्ट योर सेल्फ रादर देन दैट द वे दैट आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ विद यू नो विद माई गॉड आई फील एट पीस आई फील कि यार ठीक है I learn new things. I learn new ways of calming myself down. So I feel very much at peace. I feel good. And एक वो जो hope है ना वो भी एक strong हो जाती है कि यार see I'm not going and you know messing shit up. I'm good.